दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ जाने के लिए सोच रहे हैं तो बस ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है, जहां हम आपको बताएंगे यात्रा में होने वाला खर्च, ठहरने के लिए सही जगह और साथ ही साथ यात्रा में लगने वाले समय के बारे में। तो चलिए चलते हैं हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव के सबसे खूबसूरत स्थान केदारनाथ मंदिर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केदारनाथ की यात्रा साल में सिर्फ 6 महीने ही होती है। बर्फ पिघलने के बाद मई के महीने में मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं, जो कि अक्टूबर या नवंबर महीने तक खुले रहते हैं। भोले बाबा के दर्शन करने और यात्रा में जाने से पहले आपको करवाना होता है रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू आसानी से हो जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो आप ऋषिकेश, ISBT, सोनप्रयाग, गोविंद घाट और बहुत सी जगह जो प्रशासन ने बना रखी है उस पर डायरेक्ट जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तो हर साल केदारनाथ यात्रा में यात्रियों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिलता जा रहा है, जिसके कारण यात्रियों को यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है, जिससे लोगों को यात्रा के दौरान बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और रहने के लिए होटलों का खर्च बढ़ जाता है और खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ों के दाम आसमान छू लेते हैं। कभी कभी तो सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन को कुछ टाइम के लिए रोक भी दिया जाता है। इसीलिए आपसे इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप खाली घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो फिर इस यात्रा में मत ही जाएं, क्योंकि जो गरीब और बूढ़े बड़े आस्था के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे हैं वो महंगाई बढ़ने के कारण दर्शन करने में असमर्थ हो जाते हैं। और अब तो मंदिर के चारों ओर भी सब कमाने के लिए ही बैठे हुए हैं कि जो पैसा देगा सुविधा उसी को मिलेगी। केदारनाथ यात्रा करने के लिए आपको बस याद रखने होंगे इन 3 जगहों के नाम, हरिद्वार, सोनप्रयाग और गौरीकुंड, क्योंकि भारत में आप कहीं भी रहते हों आप ट्रेन और बस के माध्यम से हरिद्वार तक आराम से आ सकेंगे। और फिर आपको हरिद्वार स्टेशन से ही 700 से 800 रुपयों में आसानी से बस मिल जाएगी, जो कि ऋषिकेश होते हुए आपको सोनप्रयाग पहुंचा देगी। और इसके बाद सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड आप शेयरिंग जीप के माध्यम से पहुंच जाएंगे, जहां से शुरू होती है आपकी बाबा केदारनाथ यात्रा की असली यात्रा, जो कि लगभग 16 किलोमीटर होती है। गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद जंगल चट्टी पड़ता है, जहां आप आराम से खाना पीना कर सकते हैं। और फिर लगभग 1 किलोमीटर आगे भीमबली स्थान पड़ेगा, जहां से खच्चर का रास्ता अलग हो जाता है। और फिर 1 किलोमीटर दूर ही पड़ेगा रामबाड़ा, जहां से शुरू होती है असली चढ़ाई, जो कि इस यात्रा का सबसे कठिन पार्ट है, क्योंकि चढ़ाई के साथ साथ सांस भी चलने लगती है। इसीलिए आप स्वस्थ हों तो ही इस यात्रा पर जाएं। वैसे बाबा केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए अनेकों तरीके हैं, जैसे कि पहला है हेलीकॉप्टर। अगर आप चढ़ाई करने में असमर्थ हैं तो हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर लेने की सुविधा कुल 3 स्थानों पर उपलब्ध है। अलग अलग स्थानों से हेलीकॉप्टर ले जाने के रेट अलग अलग हैं। आने जाने का मैक्सिमम किराया लगभग 7,500 रुपये तक पड़ेगा। दूसरा साधन है पालकी। पालकी से भी आप मंदिर तक जा सकते हैं, जिसमें 4 लोग आपको अपने कंधे पर रख कर ले जाते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 10,000 रुपये आने जाने के लिए देने होंगे। तीसरा तरीका है खच्चर। इन जानवरों के ऊपर बिठाकर आपको ले जाया जाता है, जो कि सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि पैसों के लिए लोग इनको मशीन की तरह यूज करते हैं और वैसे भी किसी को दुख देकर क्या ही यात्रा करनी, बेजुबान भी बद्दुआ देते हैं। चौथा है पिट्ठू, जिसमें अकेला आदमी छोटे बच्चों और सामान को अपनी पीठ पर रखकर ले जाता है, जिसका रेट वजन के हिसाब से अलग अलग होता है। इन सब के अलावा भी अब आने वाले सालों में आपको रोप वे की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ यात्रा के दौरान ठहरने की। कुल मिलाकर 3 जगह ठहरना ठीक रहेगा, जिनमें से एक है हरिद्वार। देश के कोने कोने से लोग हरिद्वार आते हैं, जहां पर कम कीमत में होटल और धर्मशालाओं में रुककर आप यात्रा स्टार्ट करने के लिए रिचार्ज हो सकते हैं।
इसके अलावा आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड कहीं भी रुक सकते हैं। सोनप्रयाग में सुविधा थोड़ी अच्छी मिलेगी आपको। और फिर यात्रा के एंड में जो कि है बेस कैंप में आप ठहर सकते हैं, जिसकी दूरी मंदिर से 1.5 किलोमीटर पड़ेगी। बेस कैंप में रुकने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन है GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम। इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, और अगर बुकिंग ना मिले तो लास्ट में मंदिर के आसपास के होटलों के ही ऑप्शन रह जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और पीक टाइम पर ये चार्ज 8 से 10 हज़ार रुपये तक चला जाता है। यात्रा के दौरान कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ लेकर जाएं, जैसे कि छाता, रेनकोट, विंटर जैकेट, सॉक्स और कैप। इसके अलावा कंफर्टेबल शूज़, एक छोटा सा पॉली बैग जिसमें आप छोटा मोटा कूड़ा करकट डाल सकते हैं, क्योंकि यात्रा के दौरान हमें गंदगी फैलाने से बचना चाहिए। अगर प्रसाद खरीदना हो तो आपको मंदिर के पास ही मिल जाएगा, जिसकी कीमत 50 से 250 रुपए तक हो सकती है। यात्रा करने में कम से कम 3 दिन मानकर चलें, लेकिन 4 दिन मानकर चलना ज़्यादा सही रहेगा, जिसमें पहला दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग या गौरीकुंड के लिए, दूसरा दिन गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप के लिए, और तीसरा और चौथा दिन मंदिर से वापस गौरीकुंड और फिर हरिद्वार जाने में लग जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली इसी तरह की वीडियोस की आप अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन पा सकें।